हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सिनेस्ट्रो कोर वॉर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ग्रीन लैंटर्न कोर दो अलग अलग जगह पर सिनेस्ट्रो कोर का सामना कर रही थी, जिसमें पहली जगह एंटी मैटर यूनिवर्स में मौजूद प्लैनेट क्वार्ट्ज थी, जहां पर हैल जॉर्डन और उसका साथ देने वाले लॉस्ट लैंटर्न्स इओन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें ये चीज पता चलती है कि प्लैनेट क्वार्ट्ज की टनल्स में सिनेस्ट्रो ने इओन को छुपा रखा था और उसे गार्ड करने वाला शख्स सिनेस्ट्रो कोर का मेंबर एंटी मॉनिटर था। और दूसरी फाइट प्लैनेट मोगो पर चल रही थी, जहां पर किलोवॉग और उसके साथी ग्रीन लैंटर्न्स सिनेस्ट्रो कोर के ही रैंक्स नाम के एक प्लैनेट का मुकाबला कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर तक उनसे लड़ने के बाद उन्हें ये चीज पता चलती है कि रैंक्स अपने अंदर से व्हाइट लोब नाम के क्रीचर्स को फायर करने लगता है, जो प्लैनेट मोगो के कोर में जाकर अपने आप को ब्लास्ट करने वाले थे। और इससे पहले कि किलोवॉग उन्हें रोकने की कोशिश करता, आर्किलो नाम का एक येलो लैंटर्न उसके सामने आकर उससे लड़ने लगता है। अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत प्लैनेट क्वार्ट्ज से होती है, जहां पर लॉस्ट लैंटर्न्स इओन को बचाने के लिए गए तो थे, लेकिन वहां पर उनका सामना सिनेस्ट्रो कोर के सबसे पावरफुल मेंबर से होता है, जिसका नाम था एंटी मॉनिटर। और उन्हें देखते साथ ही एंटी मॉनिटर उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और इससे पहले कि वो सारे के सारे लॉस्ट लैंटर्न्स कुछ भी सोच पाते, एंटी मॉनिटर एक ही झटके में उनमें से एक को खत्म कर देता है। और इसके बाद वो उनमें से दो लैंटर्न्स को पकड़कर उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक उन्हीं लॉस्ट लैंटर्न्स में से एक अपनी पावर रिंग का यूज करके एंटी मॉनिटर के मुंह पर एक फ्लैश ब्लास्ट करता है। और उन्हीं टनल्स की दूसरी तरफ हैल जॉर्डन ने जॉन स्टीवर्ट और गाय गार्डनर को छुड़ा लिया था, और इस वक्त वो चारों लोग वहां से निकलने के लिए तैयार थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हैल जॉर्डन की रिंग में अब बैटरी नहीं थी। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो वहां मौजूद सारी की सारी येलो लैंटर्न रिंग्स को उठाकर अपनी उंगलियों में पहन लेता है, और उन्हें चार्ज करने के बाद वो पूरी की पूरी येलो लैंटर्न्स को अपनी विल पावर से कंट्रोल करने लगता है। और ये करने के बाद वो चारों ग्रीन लैंटर्न प्लैनेट क्वार्ट्ज से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां पर येलो लैंटर्न कोर का लीडर सिनेस्ट्रो आ पहुंचता है। हैल जॉर्डन उन सारे रिंग्स का यूज करके उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सिनेस्ट्रो उससे वो सारी येलो रिंग्स छीन लेता है और उन सारी रिंग्स को जोड़कर वो एक जबरदस्त ब्लास्ट करता है, जिसमें वहां पर मौजूद सारे के सारे ग्रीन लैंटर्न्स काफी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक सिनेस्ट्रो के पीछे से आकर काय गार्डनर उसे पकड़ लेता है। लेकिन इसके पहले कि वो उस पर अटैक कर पाता, पैरालैक्स उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। और उसे पकड़ने के बाद पैरालैक्स उन सारे ग्रीन लैंटर्न्स के सामने काय गार्डनर का गला काटना शुरू कर देता है। लेकिन हैल जॉर्डन की पावर रिंग में अब बिल्कुल भी बैटरी नहीं बची थी, और इसी वजह से अब वो चाहकर भी काय गार्डनर की मदद नहीं कर सकता था। लेकिन तभी अचानक वो सारे के सारे लॉस्ट लैंटर्न्स इओन को लेकर वहां पर आ पहुंचते हैं, और इसी मौके का फायदा उठाकर वो सारे के सारे ग्रीन लैंटर्न्स इओन को लेकर वहां से निकल जाते हैं। और अपने यूनिवर्स में पहुंचने के बाद वो सारे के सारे लॉस्ट लैंटर्न्स हैल जॉर्डन को एंटी मॉनिटर के बारे में बताते हैं, जिसे सुनने के बाद हैल जॉर्डन उन सबसे कहता है कि एंटी मॉनिटर को हराने के लिए पिछली बार भी उन्होंने अर्थ के सुपर हीरोज का सहारा लिया था, और इस बार भी अगर एंटी मॉनिटर ने सिनेस्ट्रो कोर को ज्वाइन किया था तो इसका मतलब साफ था कि हैल जॉर्डन को एक बार फिर से अर्थ पे जाके जस्टिस लीग की मदद लेनी होगी। और ये कहने के बाद वो अपने ग्रीन लैंटर्न साथियों को छोड़कर अर्थ की तरफ निकल पड़ता है। और इधर प्लैनेट मोगो पर एक भयानक बैटल चल रही थी, एक ऐसी बैटल जिसे धीरे धीरे करके ग्रीन लैंटर्न्स हारने लगे थे, क्योंकि येलो लैंटर्न कोर धीरे धीरे करके उन सारे ग्रीन लैंटर्न्स को मारने लगी थी। और जानलेवा फोर्स का यूज ना करने की वजह से वो सारे के सारे ग्रीन लैंटर्न्स येलो लैंटर्न को रोक नहीं पा रहे थे। और किलोवॉक भी अब अपनी लड़ाई में आर्किलो से हारने लगा था, क्योंकि आर्किलो एक के बाद एक उस पर जानलेवा हमले कर रहा था। लेकिन इधर सोडामियाट ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाया था, जिसके हिसाब से वो सारे के सारे ग्रीन लैंटर्न्स चुपचाप प्लैनेट रैंक्स के अंदर घुस गए थे, क्योंकि वो लोग इस बात को जानते थे कि अगर उन्हें प्लैनेट मोगो को बचाना था तो उन्हें रैंक्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। और इसी काम को अंजाम देने के लिए वो सारे के सारे ग्रीन लैंटर्न्स प्लैनेट रैंक्स के काफी अंदर तक चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी अंदर पहुंचने के बाद वहां मौजूद येलो लैंटर्न्स उन पर अटैक करने लगते हैं, और कुछ ही देर के बाद उन सारे के सारे ग्रीन लैंटर्न्स में से सिर्फ सोडामियाट और अरीसा बचते हैं। और वो दोनों ये चीज डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर प्लैनेट रैंक्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन तभी अचानक सोडामियाट की रिंग में उसके लिए एक मैसेज आता है, और उसे ये चीज पता चलती है कि वो मैसेज दरअसल में गार्डियंस ऑफ ओवा का था, जो उससे कहते हैं कि एक भविष्यवाणी के हिसाब से सोडामियाट का बचना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
और इसी वजह से वो लोग उसे ऑर्डर्स देते हैं कि वो तुरंत ही प्लैनेट रैंक्स को छोड़कर वहां से बाहर निकल जाए। लेकिन उस मैसेज को सुनने के बाद सोडा म्याट ये चीज डिसाइड करता है कि वो कभी भी अपने साथी ग्रीन लैंटर्न को अकेला नहीं छोड़ेगा, और ये कहने के बाद वो वहां मौजूद सारे के सारे येलो लैंटर्न्स पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी अचानक और भी कुछ ग्रीन लैंटर्न्स उन दोनों की मदद करने के लिए वहां पर आ पहुंचते हैं, और वो लोग वहां पहुंचकर अरीसा और सोडा म्याट को बताते हैं कि उन्हें प्लैनेट रैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। और ये सुनने के बाद सोडा म्याट उसके कोर की तरफ बढ़ने लगता है, और वहां से बहुत दूर प्लैनेट ओआ पर गार्डियंस ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे, जिसे देखने के बाद वो सब लोग आपस में बात करते हैं कि उन्हें बुक ऑफ ओआ में लिखी हुई भविष्यवाणी अब सच होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन वो लोग इस बात को जानते थे कि ब्लैकेस्ट नाइट की भविष्यवाणी को रोकने के लिए उन्हें सोडा म्याट और मोगो दोनों की जाने बचानी होगी, और इसी वजह से वो सारे के सारे गार्डियंस ये चीज डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपने रूल्स को चेंज करना होगा। और इधर प्लैनेट मोगो पर किलोवॉग और उसके ग्रीन लैंटर्न्स की टीम काफी बुरी हालत में थी, क्योंकि वहां पर मौजूद सारे के सारे येलो लैंटर्न्स एक एक करके उन्हें मार रहे थे, और अब उनकी टीम के आधे से ज्यादा मेंबर्स की मौत हो चुकी थी, और किलोवॉग के लिए अब उनका मुकाबला करना काफी मुश्किल होने लगा था। और चारों तरफ से घिरने के बाद उन सारे के सारे ग्रीन लैंटर्न्स को ये चीज समझ में आ जाती है कि अब उस लड़ाई में उनका जिंदा बच पाना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन तभी अचानक वहां पर मौजूद सारे ग्रीन लैंटर्न्स के रिंग पर एक मैसेज आता है, अटेंशन ग्रीन लैंटर्न्स, बुक ऑफ ओआ के रूल्स चेंज हो चुके हैं, और अब आप सभी की रिंग्स में लीथल फोर्स इनेबल कर दी गई है। और ये मैसेज सुनने के बाद वहां पर मौजूद सारे के सारे ग्रीन लैंटर्न्स काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन इसी के साथ वो अपने रिंग्स का यूज करके वहां मौजूद सारे के सारे येलो लैंटर्न्स पर अब जानलेवा अटैक करने लगते हैं। और एक ही झटके में उन सारे के सारे येलो लैंटर्न्स की मौत होने की वजह से वो सारे के सारे येलो रिंग्स अब नए होस्ट को ढूंढने लगती हैं। और इधर रैंक्स के अंदर सोडा म्याट को ये मैसेज मिलने के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, और वो उस रिंग की पूरी पावर का यूज करके उन सारे के सारे येलो लैंटर्न्स का सफाया करने लगता है। और उन सारे के सारे येलो लैंटर्न्स को मारने के बाद सोडा म्याट अपने साथियों से प्लैनेट रैंक्स को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ये सुनने के बाद अरीसा समझ जाती है कि वो प्लैनेट रैंक्स के साथ अपने आप को भी उड़ाने वाला था, और वो सोडा म्याट से कहती है कि जो वो करने की कोशिश कर रहा था उसे सुसाइड कहते हैं। लेकिन सोडा म्याट उससे कहता है कि उसे अपने जीवन में और भी बहुत सारे बड़े बड़े काम करने थे, और आज उसकी मौत का दिन नहीं था। और ये कहने के बाद वो वहां पर मौजूद सारे ग्रीन लैंटर्न्स को उस प्लैनेट से बाहर भेज देता है, और अपनी रिंग की सारी पावर का यूज करके वो रैंक्स के कोर पर अटैक करने लगता है। और एक ही झटके में प्लैनेट रैंक्स और उसका कोर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये देखने के बाद मोगो पर लड़ने वाले सारे के सारे येलो लैंटर्न्स वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन वो बचे हुए लैंटर्न्स जब किलोवॉग के पास पहुंचते हैं तो वो उनसे पूछता है कि सोडा म्याट उनके साथ क्यों नहीं है। लेकिन किलोवॉग की बात सुनने के बाद वो सारे के सारे ग्रीन लैंटर्न्स अपनी नजर नीचे झुका लेते हैं, और किलोवॉग समझ जाता है कि सोडा म्याट के साथ आखिर क्या हुआ था। लेकिन तभी अचानक वो सारे के सारे ग्रीन लैंटर्न्स अपनी गर्दन उठाकर ऊपर देखते हैं, और उन्हें पता चलता है कि सोडा म्याट अभी भी जिंदा था और उनकी आंखों के सामने खड़ा था। और वहां से बहुत दूर हैल जॉर्डन, गाय गार्डनर और जॉन स्टेवर्ट तीनों मिलकर प्लैनेट अर्थ तक पहुंच चुके थे। लेकिन तभी अचानक हैल जॉर्डन उन दोनों से कहता है कि उसे पिछले काफी समय से एक चीज परेशान कर रही थी कि इतनी ज्यादा फोर्सेस होने के बाद भी सिनेस्ट्रो ने अभी तक प्लैनेट ओआ पर अटैक क्यों नहीं किया था, क्योंकि सिनेस्ट्रो इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि प्लैनेट ओआ इस पूरे यूनिवर्स का सेंटर था, और अगर उसने ओआ को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो इस पूरे यूनिवर्स पर राज करेगा। लेकिन तभी अचानक हैल जॉर्डन को कुछ रियलाइज होता है, और वो अपने साथियों से कहता है कि सिनेस्ट्रो इतने समय से उन्हें बेवकूफ बना रहा था, क्योंकि उसका मेन टारगेट प्लैनेट ओआ नहीं बल्कि इस पूरे मल्टीवर्स का सेंटर प्लैनेट अर्थ था। और इसी के साथ वो तीनों देखते हैं कि सिनेस्ट्रो अपनी येलो लैंटर्न कोर को लेकर वहां पर आ पहुंचा था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप सभी लोग अपने यूनिवर्स के अलावा एक और यूनिवर्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमिकवर्स का पार्ट बन सकते हैं। मैं इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा, तब तक आप सभी लोग मुझे कमेंट्स में ये बताते रहिए कि आप सभी को सिनेस्ट्रो कोर वॉर कैसी लगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।